हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर विजन प्लेटफॉर्म। माय सेल्फ संदीप बेनीवाल। आज अपने इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का फोर्थ लेसन, जिसका नाम है पोषक तत्व एवं उर्वरक। तो कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, पोषक तत्व क्या होते हैं, उर्वरक क्या होते हैं एवं क्या इनकी पौधों की आवश्यकता होती है, इनका पौधों में क्या कार्य होता है, ये सब इस लेसन में अपने चर्चा करेंगे। बिना देरी किए हुए अपने आज का अपना लेसन स्टार्ट करते हैं, फोर्थ लेसन, ठीक है, जिसका नाम पोषक तत्व एवं उर्वरक। क्या नाम है? पोषक तत्व एवं उर्वरक, प्लांट न्यूट्रिएंट एंड फर्टिलाइजर। ठीक है, तो दो वैज्ञानिक हुआ करते थे, आर्नोन व स्टोट। उन वैज्ञानिकों ने 1939 में एक सिद्धांत दिया कि पौधों को बहुत सारे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, उनके आधार पर ही पौधे क्या होते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। उनके अनुसार 16 आवश्यक पोषक तत्व थे जो पौधों को बहुत अच्छी मात्रा में आवश्यक होते हैं। उसके बाद में कुछ समय बीतता गया और आर्नोन को पता चला। 1954 में उन्होंने अपने सिद्धांत को पुनः रिवाइज किया तो उनको पता चला कि जो मैं आवश्यक पोषक तत्व बोल रहा हूँ वो किस आधार पर बोल रहा हूँ। तो उन्होंने बताया कि इसके तीन आधार है। कितने? तीन आधार है। कौन कौन से ये तीन आधार है, इसके आधार पर मैं इनको आवश्यक बोल रहा हूँ। तो उसके लिए उन्होंने सबसे पहली बात बताई कि वह तत्व जो पौधे की उपापचय क्रियाओं, मतलब मेटाबॉलिक क्रियाओं, जो भी पौधा काम करता है, सांस लेता है, उत्सर्जन करता है, कुछ भी कार्य करता है, भोजन बनाता है, उनमें उस पोषक तत्व का क्या होना चाहिए, हाथ होना चाहिए। यानी कि यदि वो पोषक तत्व नहीं हो तो क्या होनी चाहिए, मेटाबॉलिक क्रिया है, उपापचय क्रिया, वो कंप्लीट नहीं होनी चाहिए। दूसरा उसने बताया कि उस पोषक तत्व की कमी को उसी के द्वारा पूरा किया जा सके, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो, यानी कि दूसरा कोई भी डालने के पर उस पोषक तत्व की कमी की पूर्ति नहीं की जा सकती। और तीसरा उसने बताया कि वह अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकता पौधा, पौधा क्या हो जाएगा, जवानी में ही मर जाएगा। यदि वो पोषक तत्व नहीं होगा तो पौधा अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाएगा, वो जवानी में ही मर जाएगा। फिर एक वैज्ञानिक और आए जिनका नाम था ब्राउन और उसका कुछ साथी थे। उन्होंने क्या किया कि सन 1887 में एक पोषक तत्व के ऐसे और लक्षण देखे कि वह भी इन तीनों चीजों को कंप्लीट करता है, मतलब कि उसकी कमी के बगैर पौधा जीवन यापन नहीं कर पा रहा और उसकी कमी के बगैर पौधे की मेटाबॉलिक क्रिया नहीं हो रही और उसका कोई भी कमी को कोई भी पूरा नहीं कर सकता। इसी आधार पे ब्राउन और उसके साथी ने 1987 में एक तत्व को और खोज दिया जिसका नाम था निकिल। ठीक है, तो अब आवश्यक पोषक तत्व कितने हो गए, 17। तो अब यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए तो कुल आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या कितनी है, तो आप बताओगे 17। और आपसे पूछा जाए कि आर्नोन व स्टोट के अनुसार कुल आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या कितनी है, तो आप बताओगे 16। नो डाउट। अब अपने स्टार्ट करते हैं पोषक तत्व और उर्वरक। लिखते हैं आर्नोन व स्टाउट नामक वैज्ञानिकों ने उन्नीस
1939 में आवश्यक पोषक तत्वों की जानकारी दी। इनके अनुसार कुल आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या16 है और उसके बाद में कुछ समय बाद 1954 में आर्नोन ने पोषक तत्वों की कसौटी का सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत के अनुसार क्या था, वह पोषक तत्व आवश्यक पोषक तत्व होता है। इस सिद्धांत में क्या था, कौन सा पोषक आवश्यक पोषक तत्व होता है, वह तत्व आवश्यक पोषक तत्व कहलाता है, जो निम्नलिखित बातों को पूरा करता है, नियमों की पालना करेगा, वो पोषक तत्व क्या कहलाएंगे, आवश्यक पोषक तत्व कहलाएगा। वह तत्व पौधे की उपापचयी क्रियाओं में भाग लेता हो, वह इसकी कमी से उनकी पौधों की उपापचय क्रियाएं पूरी ना हो, यानी कि वो उपापचय क्रियाओं में भाग लेना चाहिए और यदि उसकी कमी हो जाती है तो वो उपापचय क्रियाएं पूरी ना हो। दूसरा क्या था, पौधा अपना जीवन चक्र उस पोषक तत्व की कमी में पूरा नहीं कर सके। यानी कि आवश्यक पोषक तत्व वह होगा जो कमी होगी तो अपना जीवन चक्र भी पूरा नहीं होगा। उस पोषक तत्व की कमी को किसी अन्य तत्व द्वारा पूरा नहीं किया जा सके। मतलब केवल उसी पोषक तत्व से उसकी कमी को पूरा किया जा सकते, दूसरे से नहीं होना चाहिए। इन नियमों के आधार पर ब्राउन और उसके सहयोगियों ने वह उसके
साथियों ने 1987 में निकिल को सत्र में पोषक तत्व के सत्र में आवश्यक पोषक तत्व के रूप में जाना। अब क्या हुआ कि आवश्यक पोषक तत्व 1987 में कितने हो गए, 17 हो गए। ठीक है, अब अपने से पूछा जाए कि आवश्यक पोषक तत्व, सबसे पहले ड्रम्स आती है आवश्यक पोषक तत्व, एसेंशियल न्यूट्रिएंट। ठीक है, तो कितने हैं कुल, कुल कितने हैं, 17। अब कुल 17 है, कौन कौन से हैं, CHO। ठीक है, इनको सीक्वेंस याद रखना, NPK। ठीक है, CHONPK CAMGS। ठीक है, ये आवश्यक पोषक तत्व कितने हो गए, 3 3 6 3 9 CAMGS FEMNCU। ठीक है, 12 5 हो रह गए, जिंक बोरोन मोलिब्डेनम कैल्शियम और निकिल, कितने हो गए, 3 3 6 3 9 12 15 2 17 हो गए 17। हाँ जी, इसको इसी प्रकार से याद रखना, तीन तीन के जोड़े बना के जिस प्रकार से मैंने लिखे हैं, याद करने में थोड़ी सी आसानी होगी। उसके बाद में अपने देखते हैं लाभदायक, लाभदायक पोषक तत्व ये क्या होते हैं कि लाभदायक होते हैं, इनकी मात्रा पौधों को यदि मिल जाए ना ये पोषक तत्व तो अपने को फायदा होगा, परंतु यदि ये नहीं होना तो अपने को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा, तो ये क्या कहलाते हैं, लाभदायक पोषक तत्व कहलाते हैं। इनकी कुल संख्या कितनी है, 4। कौन कौन सा है, वेनेडियम, वेनेडियम कौन से पोषक तत्व किसके लिए आवश्यक होता है, धान के लिए, वेनेडियम धान के लिए। ठीक है, आवश्यक पोषक तत्व सिलिकॉन, धान व मक्का। अब चारों के नाम लिखेंगे अपने, सिलिकॉन धान व मक्का, कोबाल्ट विटामिन B12, कोबाल्ट विटामिन B12, और अंतिम देखते हैं सोडियम चुकंदर के लिए, चुकंदर के लिए आवश्यक है। ठीक है, अब ये हो गए आवश्यक पोषक तत्व। इसके बाद अपने क्या देखते हैं कि कारी की पोषक तत्व, कारी की पोषक तत्व, कार्य की पोषक तत्व क्या होते हैं, पौधे के कार्य करने के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, तो कुल संख्या कितनी होती है, इनकी कुल संख्या होती है 21। 21 कैसे होती है, इसमें आवश्यक पोषक तत्व प्लस लाभदायक पोषक तत्व। अब यदि आवश्यक पोषक तत्व और लाभदायक पोषक तत्वों को दोनों को जोड़ दिया जाए तो कौन से पोषक तत्व होंगे, कारिकी पोषक तत्व। इन कारिकी पोषक तत्व को डीजे निकोल्सन ने 1863 में बताया, किसने बताया, यहां लिखते हैं डीजे निकोल्सन ने, निकोल्सन ने 1863 में बताया।
कब बताया? 1963 में उन्होंने बताया। ठीक है, तो ये होते हैं आवश्यक पोषक तत्व, लाभदायक पोषक तत्व और कौन से हैं, कार्य की पोषक तत्व। ठीक है, तो इनको जल्दी से आप नोट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इनको नोट कीजिए, इसके बाद में अपने आगे पढ़ेंगे कि क्या होते हैं पोषक तत्व और किस प्रकार से इनका वर्गीकरण किया जाता है। देखिए, अब अपने पढ़ते हैं पोषक तत्वों का वर्गीकरण। पोषक तत्वों का वर्गीकरण कई आधार पर किया जाता है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपने इनको पढ़ते जाएंगे। देखिए, पोषक तत्व का वर्गीकरण, पोषक तत्वों का वर्गीकरण, अब एक नंबर पर अपने पढ़ते हैं पौधों को आवश्यकता व मात्रा के आधार पर, किसके आधार पर, पौधों को जितनी आवश्यकता होगी उसके और मात्रा के आधार पर, यह होगा वर्गीकरण। अब इसमें क्या होता है कि इसको दो तीन प्रकार से बांटा जाता है। अपने सबसे पहला पढ़ते हैं, एक नंबर इसमें पढ़ेंगे मुख्य या स्थूल या वृहद पोषक तत्व। ठीक है, मुख्य पोषक तत्व, स्थूल पोषक तत्व और वृहद पोषक तत्व, इसको बोलते हैं मैक्रो मेजर, मैक्रो या मेजर न्यूट्रिएंट बोला जाता है। ठीक है, अब मैक्रो या मेजर न्यूट्रिएंट क्या होता है, देखिए सबसे पहले इनकी इनकी पौधों को एक पीपीएम से अधिक हो गया मात्रा की आवश्यकता होती है। इनकी पौधों की कितनी आवश्यकता होती है, 1 ppm से अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, इसीलिए इन्हें क्या कहता है, वृहद पोषक तत्व कहा जाता है। इनको दो भागों में विभाजित किया गया है, इनको कितने भागों में विभाजित किया है, तीन भागों में। प्राथमिक पोषक तत्व, उसके बाद में द्वितीयक पोषक तत्व, संरचनात्मक या बुनियादी पोषक तत्व, आगे लिख लेना संरचनात्मक या बुनियादी पोषक तत्व। ये क्या होते हैं कि इनकी आवश्यकता बीज अंकुरण के समय कब होती है, बीज अंकुरण के समय होती है, इनकी आवश्यकता कब होती है, बीज के अंकुरण के समय होती है। कौन कौन से आते हैं इस पोषक तत्वों के अंतर्गत, एनपीके, कौन से आते हैं, एनपीके इसके अंतर्गत आते हैं। इनकी जो द्वितीयक पोषक तत्व होते हैं, आवश्यकता पौधों की बढ़वार के लिए होती है, कब होती है, पौधों की बढ़वार के लिए लिए आवश्यकता। अब पौधों की बढ़वार के लिए किसकी आवश्यकता होती है, द्वितीयक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। और द्वितीयक पोषक तत्व कौन कौन से हैं, CAMGS, ये क्या है, द्वितीयक पोषक तत्व, संरचनात्मक पोषक तत्व मतलब या बुनियादी पोषक तत्व, ये पौधे की संरचना का विकास करते हैं, ये
पौधे की संरचना का विकास करते हैं तथा यह वातावरण से प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त होते हैं? CHO, ये दोनों जल से और ये वातावरण से CO2 से प्राप्त होते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं? वातावरण से प्राप्त होते हैं और ये संरचनात्मक या बुनियादी पोषक तत्व कहलाते हैं। फर्स्ट अपने पढ़ा था मुख्य या स्थूल या वृहद पोषक तत्व, और दूसरा अपने पढ़ते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व या माइक्रोन्यूट्रेंट। सूक्ष्म पोषक तत्व या माइक्रोन्यूट्रेंट, देखिए आवश्यकता के आधार पर हमने पहला ये पढ़ा था और दूसरा ये पढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा क्या पढ़ते हैं? पहला ए पढ़ा था आपने, मुख्य पोषक तत्व। दूसरा पढ़ते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व माइक्रो। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो सूक्ष्म पोषक तत्व क्या होते हैं? इनकी पौधों को 1 ppm से कम मात्रा की आवश्यकता होती है। इन पोषक तत्वों की पौधों को 1 ppm से कम मात्रा की आवश्यकता होती है। कितनी आवश्यकता होती है? 1 ppm से कम मात्रा की आवश्यकता होती है। इसे भी क्या होता है? 2 भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से 2 भागों में विभाजित किया जाता है? धनात्मक और ऋणात्मक। अब धनात्मक और ऋणात्मक भाग में कैसे विभाजित किया जाता है? जिसको धनायन के रूप में मतलब प्लस के रूप में ग्रहण करता है और जिसको माइनस के रूप में ग्रहण करता है, उस आधार पर अपने 2 भागों में विभाजित करते हैं। Fe को +2 या +3 के रूप में ग्रहण करता है, Zn को +2 के रूप में ग्रहण करता है, Cu को +2 के रूप में ग्रहण करता है, Mn को +2 के रूप में ग्रहण करता है, Ni को +2 के रूप में ग्रहण करता है। तो ये तो कौन से हो गए? धनात्मक। अब बात करते हैं ऋणात्मक। बोरोन, ठीक है, मोलिब्डेनम और क्लोरीन, इनको किस रूप में ग्रहण करता है? ऋणायन के रूप में, ऋणात्मक के रूप में ग्रहण करता है। तो ये कौन से पोषक तत्व हो गए? ऋणात्मक और ये धनात्मक। इसको जल्दी से आप नोट कीजिए, उसके बाद में आप आगे की चीजें पढ़ेंगे। हाँ जी, अपने 2 प्रकार से इनका वर्गीकरण पढ़ लिया था। एक तो मात्रा के आधार पर वर्गीकरण पढ़ लिया था, सूक्ष्म और वृहद पोषक तत्वों में बांटा गया। अब दूसरा अपने पढ़ते हैं कि मृदा में गतिशीलता के आधार पर। देखिए, पहले अपने पढ़ा था मात्रा के आधार पर, दूसरा अपने पढ़ते हैं मृदा में गतिशीलता के आधार पर। ठीक है, मृदा में कितने गतिशील है? तो मृदा में क्या होता है कि जो अपने पोषक तत्व मान लो यहां पे पड़ा है और यहां पर कितनी देरी से जाएगा, कितनी स्पीड में जाएगा, कितनी इसकी गति है, या जाएगा या नहीं जाएगा, इसके आधार पर कितनी दूरी तक वह गति कर सकता है, इसके आधार पर पौधों को कई भागों में क्लासिफाई किया जाता है। वो अपने पढ़ते हैं जो अधिकतम अधिकतम गतिशील पोषक तत्व। अब कुछ पोषक तत्व होते हैं वो बहुत ज्यादा गति करते हैं, वो कौन से होते हैं? मध्यम गतिशील पोषक तत्व।
अब कुछ पोषक तत्व होते हैं वो कम गति करते हैं, तीसरा होता है अगतिशील, अगतिशील पोषक तत्व। अब कुछ पोषक तत्व होते हैं जो गति नहीं करते हैं, गति क्या करते हैं, नहीं करते हैं। ऐसे कौन से पोषक तत्व होते हैं, अधिक गतिशील नाइट्रेट, सल्फेट, नाइट्रेट होते हैं, सल्फेट होते हैं, बोरोन, क्लोरीन, मैग्नीज, ये क्या होते हैं, अधिकतम गतिशील होते हैं। मध्यम गतिशील कौन से होते हैं या कम गतिशील, यहां पे लिख लो कम गतिशील, कम गतिशील या यहां पे स्थिर, अगतिशील पोषक तत्व या स्थिर, स्थिर पोषक तत्व। तो कम गतिशील पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, अमोनिया, ठीक है, NH4+, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन और कॉपर, ये क्या होते हैं, मृदा में कम गतिशील होते हैं। अब देखते हैं अगतिशील मृदा में कौन कौन से होते हैं, जिंक और फास्फोरस। अब क्या होता है कि अपने DAP बुआई के समय देते हैं, उसके बाद में नहीं देते, क्यों नहीं देते, क्योंकि जो फास्फोरस होता है वो अगतिशील होता है, तो वो मृदा में ऊपर ही पड़ा रहेगा, पौधे की जड़ों को प्राप्त नहीं होगा, इसलिए DAP को उसके साथ बुआई के साथ दिया जाता है कि वो बीज के बिल्कुल पास और जड़ों के पास में होगा तो जड़ उनको ले लेगी, वरना ये काम का नहीं है। अब अपने देखते हैं सी में होगा पौधों में गतिशीलता, पौधों में गतिशीलता के आधार पर। अब पौधों में गतिशीलता के आधार पर वर्गीकरण सेम इसी प्रकार से किया जाता है जिस प्रकार से मृदा में गतिशीलता के आधार पर करता है। कुछ पोषक तत्व होते हैं वो मृदा में ज्यादा गतिशील होते हैं, कुछ पोषक तत्व होते हैं जो पौधे में ज्यादा गतिशील होते हैं। देखिए सबसे पहले अधिक गतिशील पोषक तत्व जो बहुत ज्यादा गतिशील होते हैं तो वो कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और मोलिब्डेनम, मैग्नीशियम और क्लोरीन जो होते हैं सबसे ज्यादा गतिशील होते हैं। दूसरा होता है मध्यम गतिशील, ये होते हैं मध्यम गतिशील, ये बहुत ज्यादा भी गति नहीं करते और बहुत कम भी गति नहीं करते। ये कौन कौन से होते हैं, केवल जिंक एक होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये केवल जिंक होता है। तीसरा आता है कम गतिशील, कम गतिशील पोषक तत्व। अब कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं वो मृदा पौधे में कम गतिशील होते हैं, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, मैग्नीज, सल्फर, और चौथा अगतिशील पोषक तत्व। अब पौधों में कौन से पोषक तत्व होते हैं जो बिल्कुल भी गति नहीं करते हैं, वो होते हैं कैल्शियम व बोरोन, ठीक है। अब क्या होगा जब ये गति इस प्रकार से करेंगे तो इनकी कमी के लक्षण आगे अपने पढ़ेंगे, कौन सी पोषक तत्वों की कमी के लक्षण कहां और कैसे दिखाई देते हैं। तो आपको एक चीज बताता हूं, ये मान लो पौधा है, ठीक है, ये एक पौधा है, ठीक है, ये पत्तियां बना देते हैं यहां पे, ये क्या है, पौधे की पत्तियां हैं, ठीक है, ठीक है?
ये पौधे की पत्तियां। ये क्या हो जाएगा? टर्मिनल बड्स हो जाएगी, पौधे का शीर्ष भाग हो जाएगा, ठीक है। ये पौधा है तो ये पौधे का कौन सा भाग होता है? ये पौधे का ऊपरी भाग, ऊपरी भाग। ये पौधे का कौन सा होगा? मध्यम भाग। और ये पौधे का कौन सा होगा? नीचे का भाग। और ये क्या होगा? जड़ तंत्र, ठीक है। अब ये क्या होगा? शीर्ष बड, ठीक है, शीर्ष बड होगी। अब जो पोषक तत्व यहां से जाता है, देखिए यहां से कोई पोषक तत्व जा रहा है वो बहुत ज्यादा गतिशील है, कौन सा? ये वाले बहुत ज्यादा गतिशील है, तो कहां पर पहुंच जाएंगे? पौधे को मिलते ही क्या? ऊपर वाले सिरे पे चले जाएंगे। यदि इनकी पीछे से सप्लाई आने बंद हो जाए, यहां से मान लो पोषक तत्व इसको मिल रहा है, यहां से सप्लाई आने बंद हो जाए, तो सबसे पहले कमी के लक्षण कहां दिखाई देंगे? कहां देंगे? नीचे वाले भाग में, क्योंकि वो तो जो जितने थे उसने ऊपर भेज दिए, तो कहां दिखाई देंगे? सबसे निचले वाले भाग में, जो सबसे ज्यादा गतिशील होते हैं पौधे में, उनके कमी के लक्षण सबसे निचले वाले भाग में दिखाई देते हैं। अब जो ये कैल्शियम बोरोन होता है ये अगतिशील होता है, मतलब पौधे को मिलेगा यहां पे पड़ा रहेगा, और मिलेगा यहां पे जाएगा, 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 और मिलेगा यहां पे जाएगा। अब पीछे से मान लो आना बंद हो गया तो कमी के लक्षण कहां दिखाई देंगे? ऊपर ही ऊपर, तो किसके देंगे? यहां पर ऊपर ऊपर, कैल्शियम है बोरोन के। अब जो मध्यम गतिशील होंगे तो उनकी कहां दिखाई देंगे? मध्य भाग पर, किसके दिखाई देंगे? जिंक के। और जो ऊपरी भाग पर दिखाई देंगे मध्यम गतिशील के, मध्य भाग पर पौधे के यहां पर दिखाई देंगे, और जो ऊपरी भाग पर किसके दिखाई देंगे? जो कम गतिशील होंगे, किसके दिखाई देंगे? कम गतिशील, यहां पे नहीं, यहां इन पत्तियों में, इन पत्तियों में कहां है? कम गतिशील, कम गतिशील पोषक तत्वों के कमी के लक्षण, कमी के लक्षण कहां दिखाई देंगे? ऊपरी भाग में दिखाई देंगे, यानी कि नई पत्तियों पर। और जो सबसे ज्यादा गतिशील पोषक तत्व उनकी पुरानी पत्तियों पर दिखाई देंगे। आज के लिए इतना ही काफी रहेगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। प्रत्येक पोषक तत्व की क्या कार्य है, क्या कमी के लक्षण है, अधिकता से क्या हो जाएगा और उसका पूरा किस प्रकार से किया जाएगा, इन सब की चर्चा अपने करेंगे। इम्पोर्टेंट पोषक तत्वों को पढ़ेंगे, उसके बाद अपना लेसन कंप्लीट होता है, तो इसको नोट कर लीजिए। और इसकी पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।